अब देखिए रीतिवाचक जो क्रिया विशेषण होते हैं, रीतिवाचक वे निम्नलिखित अर्थों में समझे जा सकते हैं, मतलब उनका बंटवारा जो किया जाता है वो निम्नलिखित अर्थों में किया जा सकता है, जैसे प्रकार के आधार पर, ठीक है, प्रकार के आधार पर। दूसरा है निश्चय के आधार पर। तीसरा है अनिश्चय के आधार पर, मतलब जो शब्द अनिश्चय हो, जो शब्द निश्चय हो, ठीक है। फिर स्वीकार्यता के आधार पर, स्वीकार। पांचवा आता है आपका कारण के आधार पर। तो आइए जरा देख लेते हैं एक एक वर्ड। प्रकार में जैसे ऐसे, कैसे, वैसे, मानो, धीरे, अचानक, ठीक है, ये सारे शब्द जो है कि प्रयुक्त किए जाते हैं, फटाफट इत्यादि। निश्चय में देखें तो अवश्य। निश्चय को कौन से शब्द ऐसे हैं जो निश्चय को दर्शाते हों, ठीक है, निश्चय वाक्य को दर्शाते हों, तो वे सारे शब्द इसमें जो है कि सम्मिलित किए जाएंगे। तो निश्चय में कि अवश्य, वह अवश्य ही एग्ज़ाम पास करेगा, ठीक है, इस तरह से, वह अवश्य। फिर सही, तो वह सही बात बोलता है, इस तरह से। सचमुच, निसंदेह, जरूर, ठीक है, जरूर। फिर इसके बाद आ जाता है आपका यथार्थ में, वस्तुतः, इत्यादि। अनिश्चय में इसी तरह से आप देखेंगे तो अनिश्चय, वाक्य में अनिश्चितता का होना ही दर्शाता है अनिश्चय रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। तो वाक्य में अनिश्चितता होगी, अर्थात कदाचित, शायद, कदाचित, शायद, बहुत कर, यथासंभव, ठीक है, यथासंभव, ये सारे वर्ड उसमें आ जाएंगे। फिर स्वीकार में देखते हैं हम लोग, तो स्वीकार में हाँ जी ठीक है, ठीक है, हाँ जी ठीक, सच, इत्यादि शब्द इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। फिर कारण, कारण में देखते हैं कि इसलिए, मतलब जैसे कोई वाक्य अगर आप बोलते हैं तो उसमें जब कारण आप बताते हो तो जैसे इस शब्द को जोड़ते हैं कि इसलिए मैं वहाँ गया था, उसने मुझे मारा इसलिए मैं वहाँ गया था, उसने मुझे बुलाया इसलिए मैं वहाँ गया था, वह बहुत पढ़ता है इसलिए उसका एग्ज़ाम पास हो गया, ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। इसलिए, क्यों, काहे को, इत्यादि, ये सारे वर्ड इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। और दो रूप आपके अभी और बचते हैं इसमें, एक होता है निषेध, निषेध के आधार पर। निषेध में मतलब वाक्य में नकारात्मक वर्ड हो, जैसे कि न, नहीं, मत, ठीक है। और अगला आता है आपका कि अवधारणा, तो अवधारणा में हम लोग देखें तो, ही, भी, मात्र, भर, तक, सा, इत्यादि। अब आपका ख़त्म होता है रीतिवाचक विशेषण, इस प्रकार से आपका समाप्त होता है, ठीक है। अगला आपका आता है कि स्थानवाचक विशेषण, ठीक है। स्थानवाचक विशेषण, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि जो वाक्य स्थान बोधक होते हैं या वाक्य में स्थान का बोध कराते हों, स्थानवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि अब एक उदाहरण, एक इसकी सिंपल सी परिभाषा अगर हम लोग लिखें तो ऐसे अविकारी शब्द जो हमें क्रियाओं के होने के स्थान का बोध कराते हों वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। वेरी सिंपल, ठीक है, कि ऐसे क्रिया विशेषण
जो हमें किसी स्थान का बोध कराते हों, स्थान के होने का बोध कराते हों, स्थानवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब इसमें कुछ शब्द को अगर हम लोग देखते हैं उदाहरण में, ठीक है, स्थानवाचक शब्द को देखते हैं तो आइए ज़रा देख लें, जैसे जहाँ पर, यहाँ, वहाँ, भीतर, बाहर, इधर उधर, दाएं बाएं, कहाँ किधर, ठीक है, दाएं बाएं, कहाँ किधर, ये सारे अलग अलग वर्ड हैं, कहाँ किधर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जहाँ, ठीक है, पास, दूर, अन्यत्र, इस ओर, उस ओर, इत्यादि, मतलब बहुत सारे वर्ड इसमें आते हैं, ठीक है, इस ओर, उस ओर, ऊपर, नीचे, सामने, आगे, पीछे, ठीक है, जो स्थान का बोध कराते हो। अब इसमें हम लोग उदाहरण देखते हैं। अब देखिए एक उदाहरण लेते हैं, तो मैं कहाँ जाऊँ, तो कहाँ जाऊँ, ठीक है, मोहन कहाँ एवं किधर गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग उदाहरण लें, मोहन कहाँ और किधर गया। फिर नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं कि सुनील ऊपर बैठा है, तुम अमेरिका जाओगे, ठीक है, तुम उत्तर प्रदेश सचिवालय में जरूर जाओगे, इस तरह से आप जो है कि उदाहरण, कई उदाहरण बना सकते हैं। इसी तरह से और अगर उदाहरण लें तो आप देख सकते हैं कि तुम अंदर जाकर बैठो, तुम बाहर आओ, इस तरह से, मुरारी मैदान में खेल रहा है, शशि मुझसे बहुत दूर बैठी है, ठीक है, मतलब प्रियंका मुझसे दूर बैठी है, तुम कल मेरे साथ रेस्टोरेंट चलना, इस तरह से आप लिख सकते हैं, बना सकते हैं, कई बना सकते हैं, ठीक है। हम रात में छत पर, गर्मी के दिन में रात में छत पर सोते हैं, हम गर्मी में रात में छत पर सोते हैं, इस तरह से आप बना सकते हैं। छत पर हो जाएगा इसमें, दूर हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो इस तरह से आप, बहुत ही सिंपल था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, दिशावाचक क्रिया विशेषण नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।